2,59,000 में दूंगा। 40,000 का डिफरेंस डिफरेंस है, वो भी डीजल, वो भी ये फिक्स नहीं है, पहले ही बता देता हूँ, इसमें भी आपको नेगोशिएबल होगा। 18 गया गाड़ी, पूरा गाड़ी देख लीजिए, कहीं भी अगर आपको लगे एक भी बॉडी रिपेंट है मुझे बताइए, एक भी बॉडी रिपेंट नहीं, ओरिजिनल पेंट, फुल्ली ओरिजिनल पेंट। राहुल एक्सट्रीम का नाम लीजिए, मुझे फोन किया, हाँ राहुल भाई का वीडियो देख के मैं बोल रहा हूँ, मुझे गाड़ी का हिस्ट्री बताइए, मैं प्रोवाइड कर दूंगा व्हाट्सएप में आपको, संग संग चला जाएगा, फिर मेरे पास आइए। 30,000 है तो 30,000 ही बताऊंगा। कितना? 36,000 चला हुआ है, चला हुआ है। और ये स्पोर्ट, यहाँ राहुल एक्सट्रीम का वीडियो मैंने देखा है, सब्सक्राइब मैंने किया है, अब मुझे आप डिस्काउंट दीजिए। मतलब इस गाड़ी में भी 80,000 का डिस्काउंट मिल रहा है, ऑलरेडी डिस्काउंट है 80,000 का, 5-19 में, मतलब उसमें भी नेगोशिएबल है, उसमें भी नेगोशिएबल। तो ये सबसे टॉप है, एकदम टॉप है। इसमें देखिएगा पुश बटन स्टार्ट आता है, तो 80 मांगिए 85 मांगिए तो ही जाके वो लोग गाड़ी छोड़ रहे हैं। और मैं एक ही प्राइस बता रहा हूँ, 1,65,000, वो भी 30,000 चला हुआ है, 30,000 चली हुई है, वो भी सर्विस रिकॉर्ड है मेरे पास। इसलिए इस वीडियो में मैंने हर नंबर प्लेट को ओपन कर दिया है कि देख लीजिए भैया, रिकॉर्ड मिला लीजिए, और गाड़ी का नंबर का संग अगर सर्विस हिस्ट्री मैच नहीं करा तो ही आप मुझे बताइए। इतना स्लोली चलाता था कि हम जब टेस्ट ड्राइव लेने गए हैं ये गाड़ी लाने के लिए, तो हमको बोला भैया आराम से गाड़ी चलाइएगा, तो इतना प्यार से वो भी रखा था, वो भी इतना प्यार से रखा। तो अमित भैया वेलकम बैक, थैंक यू, कैसे हैं? एकदम अच्छे हैं, थोड़ा सा बीच में तबीयत खराब हो गया था बट अभी एकदम हेल्दी है। हम लोग का शूट पहले ही होने वाला था, आपने बोला था थोड़ा तबीयत के लिए, थोड़ा सा मैंने तबीयत के लिए थोड़ा सा डिले कर दिया। और सच में दोस्तों बहुत गर्मी है, मानना पड़ेगा, इस गर्मी में आप लोग इतना अच्छा अच्छा गाड़ी का कलेक्शन लेके आते हैं। तो दोस्तों प्लीज वीडियो में अगर आप देख रहे हैं वीडियो को, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। आज आपको बहुत ही बजट फ्रेंडली कार्स दिखाने वाले हैं, क्वालिटी ओरिएंटेड कार्स दिखाने वाले हैं। अमित भैया आप एड्रेस बता दीजिए। एड्रेस है हमारा, यहाँ का एड्रेस है 5/2 सेवक विद्या स्ट्रीट, नियरेस्ट लोकेशन आपको मिल जाएगा अपने ओसिस टावर मार के आप आ सकते हैं, या मेरा गूगल मैप डायरेक्ट एकदम डोर स्टॉप लोकेशन है वो आप मार के आ सकते हैं। रेलवे स्टेशन आप अगर बालीगंज में भी उतरते हैं तो मुझे फ़ोन कीजिए, मैं पिकअप ड्रॉप फैसिलिटी रखता हूँ। और अगर मेट्रो से आते हैं जतिन दास उतरिए, वहाँ से भी मुझे फ़ोन कीजिए, मैं पिकअप ड्रॉप फैसिलिटी देता हूँ। और अगर बस से या गाड़ी से आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम डोर स्टेप लोकेशन आपको मिल ही जाएगा। आपका यहाँ पे रेंज कितने से स्टार्टिंग हो जाता है? मेरे यहाँ पे रेंज एक्चुअली अभी का रेंज जो है ना 1,60,000 के अबव से आज है। सो आज जो है थोड़ा सा, मैंने मार्केट में भी राहुल कुछ दिन से देख रहा हूँ कि सब कुछ चैलेंजिंग प्राइस पे ही सब जा रहा है, बट कंडीशन के ऊपर मैंने उतना दिमागी कोई नहीं लगा। तो भैया चैलेंजिंग प्राइस और चैलेंजिंग कंडीशन दोनों ही बेटर करता है अभी का मार्केट में, क्योंकि अगर आप बोलिएगा चैलेंजिंग प्राइस चाहिए तो आपको चैलेंजिंग कंडीशन भी नहीं मिलेगा, और अगर चैलेंजिंग कंडीशन में जाएगा तो चैलेंजिंग प्राइस भी नहीं मिलेगा। तो ये दोनों के बीच में आज मैं लेके आया जो भी लाया हूँ, मतलब प्राइस भी अच्छा होगा, प्राइस भी अच्छा होगा और गाड़ी भी है ही। और हाँ एक चीज़ और भी बता दे राहुल, मेरा यहाँ पे हर कोई आपका व्यूअर्स आके पूछता है कि भैया आपका पास सर्विस हिस्ट्री है कि नहीं, तो मेरे एकदम बेफिक्र होकर आइए, मैं डायरेक्ट ओपन दे देता हूँ, या आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, फिर मुझसे कर लीजिए। सारी गाड़ियों की सर्विस हिस्ट्री, ऑल कार का है सर्विस हिस्ट्री। तो शुरुआत करते हैं न्यू स्टॉक से, जो कि है ग्रैंड आई-10। हाँ ये 2014 की गाड़ी है, ये स्पोर्ट्स है, 2014 की गाड़ी स्पोर्ट्स की कंडीशन 18 की गाड़ी को फेल कर, अरे 18 गया गाड़ी, पूरा गाड़ी देख लीजिए, कहीं भी अगर आपको लगे एक भी बॉडी रिपेंट है मुझे बताइए, एक भी बॉडी रिपेंट नहीं, ओरिजिनल पेंट, फुल्ली ओरिजिनल पेंट पे है। इस चीज का गारंटी चाहिए? गारंटी है, मिल जाएगा, चलिए आप ले चलिए सर्विस सेंटर, पूरा हिस्ट्री दिखा दूंगा। किलोमीटर जेनुइन है। कितना? 36,000 चला हुआ है, ओनली 36,000 चला हुआ है। और ये स्पोर्ट्स है एक्चुअली 14 में, स्पोर्ट्स में बता देता हूँ, इसमें फीचर्स भी एक्स्ट्रा मिलता है। 14 में क्या होता था, स्पोर्ट्स उस टाइम मैंने टॉप में चला जाता था, उसके बाद एस्ट्रा आता था, एस्ट्रा में एक्स्ट्रा क्या मिलता था, एलॉय व्हील, ठीक है, इसमें एलॉय व्हील नहीं है, मगर इसमें पुश बटन स्टार्ट है, अब वो देख सकते हैं कीलेस एंट्री, पुश बटन स्टार्ट इसमें मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो टैक्स 24 तक होगा? नहीं, यही तो एक चीज है, मैं 24 तक टैक्स नहीं दूंगा, 29 तक टैक्स दूंगा, 29 तक मिलेगा टैक्स, टेल आपको 29 तक मैं दूंगा। और सबसे बड़ा चीज क्या पता है ना, अभी मार्केट में देखिएगा ग्रैंड आई-10 में देखा, 14 का 15 का गाड़ी आपको अब 3 लाख के ऊपर ही जाता है, वो भी मैग्ना मिलता है, स्पोर्ट्स बहुत कम ही मिलता है, बहुत कम। और स्पोर्ट्स अगर आप लेने जाइएगा तो 14 का 24 आपको ऑलरेडी मिलेगा, 3.10, 3.5 के नीचे नहीं मिलेगा, अगर कंडीशन में रहा तो, और वो अगर फर्स्ट ओनर रहा तो।
और सबसे बड़ा चीज, अभी हर व्यूअर्स कह रहा है, हर कस्टमर मेरे पास है कि भैया आप नंबर प्लेट क्यों ढाकते हैं, तो देख लीजिए अब से मैंने नंबर प्लेट ओपन कर दिया, नंबर प्लेट ओपन ओपन है, आप देख लीजिए नंबर, सब कुछ चेक कर लीजिए फिर मेरे पास आइए। तो क्यों ढकते थे थोड़ा बता। एक्चुअली ढकने का कोई रीजन नहीं था हमारे पास, ब्रांडिंग, जस्ट एक ब्रांड, क्योंकि हमारे देखिए नॉर्मल क्या होता है ना, गाड़ी इंसान घर से भी बेचता है, तो घर से लेना और स्टोर से लेना दोनों में फर्क होता है भैया। अगर आप किसी से गारंटी मांग रहे हैं, किसी का वैल्यूएशन मांग रहे हैं, तो उसका होता है ना कि अगर मैं अगर लेता हूँ किसी से तो वो जगह मुझे चाहिए, जगह चाहिए। अगर मैं किसी के घर से गाड़ी लेके आता हूँ तो फिर वही दिमाग लगाना पड़ेगा, चार दिन दौड़िए, इधर दौड़ना पड़ेगा, उधर दौड़ना पड़ेगा, फोन कीजिएगा फोन नहीं लगेगा, या तो डायरेक्ट फोन उठाएगा तो आपको बोल देगा कि नहीं भैया आप तो गाड़ी देख के ले गए थे। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, हमारे यहाँ हमेशा एक चीज एकदम जेन्युइन चीज, ये इसीलिए दिया जाता है ताकि आपको इस डीलरशिप का नाम याद रहे, एकदम एकदम नंबर हमेशा याद रखे। और एक चीज याद रखे, हम हमेशा बोलता हूँ कस्टमर को कि अगर मुझे फोन करना है आप एनी टाइम मुझे फोन कीजिए, एनी प्रॉब्लम के लिए मुझे फोन कीजिए, एकदम हाजिर हूँ। बट रात को अगर कोई तरीके से फोन नहीं उठा पाया, अगले दिन सुबह आपका पास जरूर कॉल चला जाएगा, कॉल चला जाएगा। तो आ जाते फिर से डिटेल्स में, 14 की गाड़ी है, 29 तक टैक्स है, गाड़ी चली हुई है ओनली 36,000, फुल्ली ओरिजिनल प्रिंट में है, प्राइस होने वाला है ओनली 3,09,000। 14 की गाड़ी 29 तक टैक्स, स्पोर्ट्स मॉडल है, इसमें पुश बटन स्टार्ट भी आ जाती है, सब कुछ आता है। लोन होगा? लोन 100% लोन होगा, क्यों नहीं होगा। पर एक चीज बता देता हूँ मैं कि कुछ अभी मैंने कस्टमर्स के दिमाग में कुछ चलते ना, भैया मुझे जीरो डाउन पेमेंट में करा दीजिए, मैं जीरो डाउन पेमेंट में नहीं करा के देता हूँ। उसका रीजन ये है, देखिए भैया अगर आपका प्रोफाइल सही है और सब कुछ सही है तो जीरो डाउन पेमेंट लेने मेरे देने मुझे बड़ा बात नहीं, मैं दे दूंगा आपको। मगर प्रॉब्लम क्या होगा पता है आपको, इसका ईएमआई का कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट उस टाइम आप मुझे बताइएगा ना कि भैया आप तो बोले थे ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, अभी ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, तो ये एक दिक्कत हो जाता है। इसलिए मैं सीधा बोलता भैया डाउन पेमेंट जितना हो सके आप दीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। आप जितना बढ़ा के डाउन पेमेंट देंगे जितना आप आपके लिए अच्छा होगा, आप बेकार क्यों बैंक को इंटरेस्ट पे करेंगे। जितना आप अपने तरफ से दीजिएगा, आपको लोन जितना कम लीजिएगा आपके लिए उतना अच्छा होगा, बिल्कुल बिल्कुल उतना ही आपके लिए बेटर होगा। बेकार आप बैंक को इंटरेस्ट देने से अच्छा, बैंक में बैंक का कोई काम नहीं है, बैंक को आप जो बोलिएगा आपका सिविल अच्छा रहा, आपका सब कुछ प्रोफाइल अच्छा रहा, तो आपको लोन दे देगा, उसको कोई दिक्कत नहीं, उसको तो पैसा लेने से मतलब है, मतलब है। मगर टेंशन तो आपका बढ़ने वाला है ना, ये तो सोच के रखना पड़ेगा आपको भी। तो इसमें डाउन पेमेंट 1,00,000 रुपए मान के चले, 50,000 दीजिए तो भी हो जाएगा, 50-60,000 आराम से गाड़ी में। और अगर 1,00,000 दीजिएगा और भी अच्छा, आपके लिए और भी अच्छा, और भी अच्छा होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट गाड़ी पे। नेक्स्ट गाड़ी लेके आए हैं आपकी फेवरेट, आपके चॉइस में स्विफ्ट। राहुल भाई एक बात बता देता हूँ, ये लेकिन पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, नहीं ये डीजल है। वाह, ठीक है, डीजल में है पूरा गाड़ी, आप देख सकते हैं इमेकुलेट कंडीशन में है। और सबसे बड़ा चीज़ ये गाड़ी देखिए, चारों टायर अभी तक 60% के ऊपर घुटी है, ठीक है। सबसे बड़ा चीज़ ना मार्केट में मैं देखता हूँ स्विफ्ट पेट्रोल बहुत मिल रहा है, डीजल बहुत मतलब इतना डिमांडेबल है कि मार्केट में मिलना इम्पॉसिबल हो चुका है। तो सबसे बड़ा चीज है ये फर्स्ट ओनर है, ये भी मैं बता दूं, ये फर्स्ट ओनर गाड़ी है, कोई सेकंड ओनर ये नहीं है, सेकंड ओनर गाड़ी नहीं। और यहाँ पे सारी फर्स्ट ओनर गाड़ी, देखिए जो सेकंड ओनर होता है एक्चुअली वो कैसे हो जाता है मैं बता देता हूँ। मेरे पास सेकंड ओनर गाड़ी होने का मतलब दो ही रीजन हो सकता है, या तो एक्सचेंज में मेरे पास आया है, मेरे पास से कोई गाड़ी, अब तो क्लाइंट को मैं मना नहीं कर सकता हूँ ना कि भाई अब मुझे गाड़ी, मैं आपको गाड़ी दे रहा हूँ तो आप एक्सचेंज में क्यों गाड़ी नहीं लीजिएगा, तो मैं वही गाड़ी एक्सचेंज में लेता हूँ। अगर सेकंड ओनर उसके पास सर्विस हिस्ट्री है, वो बंदा का गाड़ी का हिस्ट्री पूरा उसके पास है, वो गाड़ी सही मेंटेन किया, तो ही वही गाड़ी मैं लेता हूँ, वरना मैं गाड़ी को हाथ नहीं लगाता हूँ, ये एक चीज़ है। और दूसरा कंडीशन में ऐसा लेता हूँ कि होता है ना बहुत टाइम कंपनी, जैसे मेरे पास बीट था एक व्हाइट कलर का, मैंने दिखाया अभी था, उसमें क्या होता है कंपनी के एक लेडी के नाम पे था, वो कंपनी में जॉब करता था, जैसे छोड़ दिया तो उन्होंने अपना नाम पे ट्रांसफर कर लिया, तो वो सेकंड ओनर हो गया था, वो गाड़ी भी मैं ले लेता हूँ। क्योंकि देखिए गाड़ी तो एक ही हाथ पे है, जस्ट कंपनी के नाम से उन्होंने अपना नाम पे ट्रांसफर करवा लिया, नाम चेंज हुआ, नेम उन्होंने चेंज कर लिया, यही रीजन की वजह से मैं गाड़ी लेता हूँ, अदरवाइज मैं लेने नहीं मांगता हूँ। तो कब की है स्विफ्ट? ये गाड़ी 2012 की है, 12 की गाड़ी है, ये 27 तक टैक्स है इसका। मार्केट में राहुल भाई नॉर्मली 12 का 27 पेट्रोल अगर आप ढूंढिएगा 3,00,000 के नीचे नहीं मिल रहा, नहीं मिलेगा। मैं इस गाड़ी को दूंगा ओनली फॉर 2,59,000 में, 2,59,000 में दूंगा, 40,000 का डिफरेंस है, वो भी ये फिक्स नहीं है, पहले बता देता हूँ, इसमें भी आपको नेगोशिएबल होगा, इसमें भी नेगोशिएबल है। तो देख सकते हैं दोस्तों, जहाँ पे 3,00,000 की गाड़ी बिकती है मार्केट में पेट्रोल, वो भी पेट्रोल में बिकती है, 3,00,000 में मिलता है, वो पेट्रोल में मिलता है, डीजल में भी आपको डीजल में 40,000 का डिफरेंस दे रहे हैं, वो भी कंपनी, इसमें भी सर्विस रिकॉर्ड है मेरे पास, इसमें भी सर्विस, इसका भी सर्विस रिकॉर्ड है। जब 12 की गाड़ी है, लोन होगा क्या इसमें? हाँ जरूर होगा, क्यों नहीं, लोन 12 का गाड़ी भी मैं लोन करके दूंगा, गाड़ी में भी लोन। एक्चुअली मैं बता देता हूँ, लोन आपका 12 का गाड़ी में होता है, क्या होता है ना,
अभी बहुत टाइम से मैं देख रहा हूँ कि हर कोई बोलता है लोन के लिए, तो भैया लोन करना आसान है, मैं कर देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम ये होता है आपका प्रोफाइल बेटर होना पड़ेगा। अगर आपका प्रोफाइल बेटर है तो लोन आराम से मैं कर दूंगा, अगर आपका प्रोफाइल में प्रॉब्लम है तो मैं नहीं कर सकूंगा। क्योंकि देखिए मेरे हाथों पे तो कुछ नहीं रहता ना, वो बैंक के पास है, अगर बैंक मुझे जो बोलेगा मुझे वही करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए किसी का प्रोफाइल उतना भी अच्छा नहीं है, थोड़ा सा प्रॉब्लम तो भी हो जाएगा, देख लीजिएगा ये तो 100% देखना पड़ेगा। पहले मैं बोलूंगा कि आप दिखा दीजिए राहुल भाई का सब्सक्राइब आपने किया कि नहीं, लाइक आपने किया कि नहीं वीडियो, उसके बाद ही डिस्काउंट मिलेगा एकदम। तो आइए दोस्तों, अभी तो आपको दिखाए दो दो हैचबैक्स, अभी आपको दिखाते हैं 7 सीटर कार। राहुल भाई एक बात बताता हूँ, मार्केट में अभी ड्राइवर का एक ऐसा ही डिमांड हो चुका है ना, मैंने इंसान क्या बोलेंगे आपको, जो ड्राइवर पहले नॉर्मली बुक करने में मिलता था, अभी वही गाड़ी 2 महीना वेटिंग में जा रहा है, वेटिंग में जा रहा है, अभी 2 महीना वेटिंग में जा रहा है। अगर RX नॉर्मल से आप देखा जाए कि RX TV वगैरह भी लेता तो भी 1 महीने का वेटिंग है, लेकिन ये 2020 का RX-Z है। तो RX-Z में अभी एक चीज़ बता देता हूँ मैं, अभी मार्क अभी अगर आप बुकिंग कीजिएगा तो पहले ही वो बोल देता है कि आप 2 महीना वेटिंग में आपको लेना पड़ेगा। तो इसीलिए मार्केट में अभी क्या हो गया, 20 की गाड़ी अगर RX-Z आप ढूंढिएगा मार्केट में, मिनिमम से मिनिमम आपको 5.5 लाख का नीचे नहीं मिलेगा 20 की गाड़ी है। बहुत कोई ये एक मिसकॉन्सेप्ट है इंसान के अंदर, भैया 19 का गाड़ी मिल रहा है, 4.70 में मिल रहा है, 4.75 में मिल रहा है, अच्छा से देख लीजिएगा भैया, वो RX-T है, RX-Z नहीं है। RX-Z होती है सबसे टॉप मॉडल, सबसे टॉप मॉडल होता है। RX-T और RX-Z में ना एक गैपिंग आ जाता है, RX-E भी आता है, एकदम बेस हो गया, उसमें ज्यादा कुछ फीचर्स नहीं आता है, सिर्फ देखिएगा सामने 2 पावर विंडो आता है उसमें, उसके बाद आता है आपका RX-E के बाद RX-T आता है, जैसे उसके बाद बीच में एक एक्स्ट्रा फीचर्स वाला मॉडल देता है RX-T ऑप्शनल, जो RX-T और RX-Z के बीच में आता है, ये एक मॉडल एक्स्ट्रा आता है। तो ये सबसे टॉप है, एकदम टॉप है, इसमें देखिएगा पुश बटन स्टार्ट आता है, इसमें पुश बटन स्टार्ट आता है, और ये 2020 की गाड़ी है, गाड़ी आप पूरा देख ही सकते हैं, चली हुई ओनली 40,000 भी नहीं चली है, 40,000 भी नहीं चली हुई, 37,000 चली हुई गाड़ी है, वो भी 20 की है। तो भाई नॉर्मल से जिसके पास गाड़ी था वो भी बोलना नहीं चाहूँगा, जिसके पास भी गाड़ी था वो हाई प्रोफाइल बंदे थे, तो वो गाड़ी उनका ज़्यादा यूज़ होता नहीं था, तो इसलिए उनको बस एक्चुअली न्यू गाड़ी जब लेते हो तो इंसान एक्सचेंज करता है, तो उन्होंने फिर ये गाड़ी दे दिया। ये भी एक प्रॉब्लम होता है कि कस्टमर के पास बहुत कोई बोलता है भैया गाड़ी क्यों नहीं, इतना कम किलोमीटर क्यों चला है, क्यों बेचा उन्होंने, तो ऐसा कुछ नहीं होता भैया, गाड़ी जब उन्हें इंसान होता ना कि 3 साल हो गया 4 साल हो गया तो मुझे गाड़ी अब एक्सचेंज करना है, नया गाड़ी लेना, तो वो नया गाड़ी लेता है तो हमें यह गाड़ी एक्सचेंज में दे देते, एक्सचेंज में दे दी एकदम। तो कब की है, 20 की गाड़ी, ये 2020 की गाड़ी है, RX-Z है, 37,000 चला हुआ है, क्या प्राइस होना चाहिए इसका बताइए मार्केट में, अभी कोई मूव जो जैसा हम सब तो बोले, सबसे मिनिमम भी ढूंढेगा 5.5 लाख के नीचे नहीं मिलेगा आपको, 6 लाख रुपए, 6 लाख, 5 लाख 19 में दूंगा, मार्केट से भी इतना डिस्काउंट, इतना डिस्काउंट दूंगा, वो भी नॉट फिक्स रेट, वो भी नेगोशिएबल, वो भी नेगोशिएबल, बट हाँ राहुल एक्सट्रीम का नाम लेके आके बताना पड़ेगा भैया, यहाँ राहुल एक्सट्रीम का वीडियो मैंने देखा है, सब्सक्राइब मैंने किया है, अब मुझे आप डिस्काउंट दीजिए, मतलब इस गाड़ी में भी 80,000 का डिस्काउंट मिल रहा है, ऑलरेडी डिस्काउंट है 80,000 का, 5-19 में, मतलब उसमें भी नेगोशिएबल है, उसमें भी नेगोशिएबल है, मतलब दूसरे जगह से आप खरीदने जाएगा यही वेरिएंट, यही मॉडल, सेम मॉडल आपको 5.5 जितना भी जो कर लिया 5.5 लाख के नीचे आपको नहीं देगा, यहाँ पे 5 लाख 19 में, 19 भी वो भी नेगोशिएबल है, वो भी नेगोशिएबल प्राइस, फिक्स नहीं है, इसमें भी लोन हो जाएगा आराम से, इसमें आप अगर बोलिएगा फुल फंडिंग करना पूरा फंडिंग हो जाएगा, क्योंकि 20 की गाड़ी है, 20 की गाड़ी है, 5 साल का आराम से आपका EMI आ जाएगा, मगर एक ही बात मैं बार बार बताता हूँ कि देखिए जितना आप डाउन पेमेंट दीजिए वो आपके लिए बेटर है, फिर भी आप एक पेटी डाउन पेमेंट कीजिए, आप 50,000 दीजिए मैं कर दूंगा, मगर उसमें दिक्कत नहीं है, मगर क्या होता है जितना आप डाउन पेमेंट आप ज्यादा कीजिए ना उसको कस्टमर के लिए उतना ही बेटर होता है, उतना ही अच्छा होता है, सबसे डिमांड, सबसे मार्केट में भी डिमांड है इसका। ये 2016 की गाड़ी है राहुल भाई, लेकिन आप पूरा गाड़ी घूम के देख लो या दिखा दो, ये गाड़ी पूरा ओरिजिनल पेंट पे, कोई बोल नहीं सकेगा 16 की गाड़ी है, कोई नहीं बोल पाएगा 16 का गाड़ी है, जिसका ये गाड़ी था इतना, मैंने क्या बोलते हैं वो, मैंने बोलते ना खुदकुतिया बंदा, कोई इतना खुदकुतिया था, मैंने गाड़ी मैंने इतना स्लोली चलाता था कि हम जब टेस्ट ड्राइव लेने गए हैं ये गाड़ी लाने के लिए, तो हमको बोल रहा भैया आराम से गाड़ी चलाइएगा, तो इतना प्यार से वो भी रखा था, वो भी इतना प्यार से रखा, पूरा गाड़ी ओरिजिनल पेंट पे, बट जस्ट मैंने पेंट किया क्या सामने का बम्पर, क्योंकि वो होता है पार्किंग है भैया धकेल देगा तो आगे पीछे, उसको जानते ही है पार्किंग का, यहाँ का हल्का सा स्क्रैचेस था तो मैंने करवा दिया,
और ये थोड़ा मैंने मॉडिफाई करा है, ये दो मिरर मैंने एक्स्ट्रा प्रिंट करवा दिया है क्योंकि एक्चुअली इन लोगों का जो आता है ब्लैक पे आता है, ब्लैक आता है, ब्लैक आता है, वो अच्छा नहीं लगता देखने में, तो मैंने ये सिल्वर करवा दिया जैसे अच्छा लगे गाड़ी थोड़ा खुले और कुछ नहीं। गाड़ी 2016 की है, RXL है, किलोमीटर चली ओनली 45,000 किलोमीटर, सिर्फ 45,000 चली हुई है, चली हुई है, वो भी गाड़ी देख के कोई समझ नहीं सकेगा, आप पूरा गाड़ी देख लो, अगर कोई बोले नहीं सीट कवर तक देख लो। इसका भी सर्विस रिकॉर्ड है, सर्विस हिस्ट्री, इसका भी सर्विस हिस्ट्री है मेरे पास, इसका भी सर्विस हिस्ट्री दे दूंगा मैं, ये ऐसा नहीं है कि जो गाड़ी मेरे पास आता है कि सर्विस हिस्ट्री नहीं है भैया, नहीं, हर गाड़ी का एवरी कोई भी गाड़ी मेरे पास है वो चाहे 2012 का हो या 2020 का हो, हर गाड़ी का मेरे पास सर्विस हिस्ट्री रहेगा क्योंकि मैं सर्विस हिस्ट्री के बिना गाड़ी रखता नहीं हूँ, क्योंकि एक्चुअली सर्विस हिस्ट्री से कस्टमर का भी एक ट्रस्ट हो जाता है कि नहीं भाई गाड़ी जो अगला बंदा जो गाड़ी दे रहा है तो पूरा क्लीन दे रहा है, इसलिए मैं हर गाड़ी का सर्विस हिस्ट्री पेपर सर्विस हिस्ट्री और पीरा पे मेरा पास, तो मैं पहले ही बताता हूँ मेरे गाड़ी में कोई भी आपको केस नहीं मिलेगा, नॉन एक्सीडेंटेबल रहेगा ही रहेगा गाड़ी, ना वाटर लॉगिंग रहेगा ना इंजन खुला हुआ रहेगा, क्योंकि मैं खुद चेक करता हूँ उसके बाद ही मैं गाड़ी लाता हूँ, और ऐसा कुछ रहता तो मैं गाड़ी में हाथ ही नहीं देता हूँ, मैं पहले बोलता नहीं चाहिए भैया मुझे गाड़ी, इसलिए इग्निशन व्हील्स में यही एक चीज़ है कि आपको जो भी मिलेगा नीट एंड क्लीन में मिलेगा, नीट एंड क्लीन एकदम नीट एंड क्लीन आपको मिलेगा। तो डिटेल्स में आ जाते हैं, 2016 की गाड़ी है, ये RXL है, RXT नहीं है, RXL है, 16 की गाड़ी है, 26 तक आपको टैक्स मिल जाएगा इसमें, इसमें भी आपको लोन हो जाएगा, इसमें भी अगर चाहिएगा तो आपको लोन हो जाएगा आराम से, इसमें एक्चुअली इसमें सेंट्रल मोटर नहीं रहता है, इसमें है, इसमें लगा हुआ है, आफ्टर मार्केट है, आफ्टर मार्केट है, लगा हुआ है, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सीट कवर आप देख ही सकते हैं नया लगा हुआ है, पूरा नया, हाँ, इसका प्राइस होने वाला है ओनली 2,39,000 16 की गाड़ी 26 तक टैक्स। नेक्स्ट गाड़ी का डेफिनेशन आपको नहीं देना है, आप सभी जानते हैं इसका नाम है वैगनार, 2011 की वैगनार है, बट जानते हैं उसमें किलोमीटर कितना चला हुआ राहुल भाई, 60-70 हज़ार और कम, और कम 50,000 30,000 किलोमीटर चला हुआ है, हाँ सर्विस रिकॉर्ड चाहिए, अभी बताइए अभी दे देता हूँ, अभी दे देंगे, अभी तुरंत दूंगा, तो उसके लिए आप आइए, आप खुद अपने आंखों से देखिए, नहीं नहीं आना भी नहीं पड़ेगा, हाँ। अगर आपको भरोसा नहीं है कि भैया बहुत टाइम होता है ना कि मैं बहुत दूर से गाड़ी देख रहा हूँ आपके पास हिस्ट्री है कि नहीं मुझे बताइए, कोई जरूरत नहीं आने के लिए, राहुल एक्सट्रीम का नाम लीजिए, मुझे फोन कीजिए, हाँ राहुल भाई का वीडियो देख के मैं बोल रहा हूँ मुझे गाड़ी का हिस्ट्री बताइए, मैं प्रोवाइड कर दूंगा व्हाट्सएप में आपको, संग संग चला जाएगा, फिर मेरे पास आइए, 30,000 है तो 30,000 ही बताऊंगा, और इतना बता 30,000 होने के बाद गाड़ी का टायर चेंज हुआ है, चारों टायर एकदम नया है, चारों टायर बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में है, एकदम देख सकते हैं राहुल भाई पूरा ब्रांड न्यू कंडीशन में, अपोलो का टायर्स वो भी एकदम, 30,000 चला हुआ है, 11 की गाड़ी है, 26 तक टैक्स है, मार्केट में मिल रहा है कुछ भी नहीं तो कीजिएगा तो 2,00,000 का नीचे आपको नहीं मिलेगा, वो भी 40,000-50,000 चला हुआ गाड़ी है, कितना में होना चाहिए गाड़ी का प्राइस, क्या होना चाहिए, 2,00,000 के नीचे देने वाले आप, मैं 2,00,000 के नीचे, 1,80,000 और कम, 1,70,000 चलिए एक ही प्राइस में बताता हूँ, 1,65,000 में मैं गाड़ी दे दूंगा, 1,65,000 में गाड़ी दे दूंगा, एक बात बताता हूँ राहुल भाई, जो मैं प्राइस इस गाड़ी के ऊपर बताता हूँ इसमें कोई और डिस्काउंट नहीं दे पाऊंगा, क्यों नहीं दे पाऊंगा, मार्केट में आप पूरा जांच लीजिए, पड़ख लीजिए भैया, कुछ भी आप कर लीजिए, 2,00,000 के नीचे कोई ये प्राइस नहीं मांग रहा है, 11 का वैगन है जिसके पास भी आप सीधा जानता 2,00,000 के नीचे मैं नहीं मांगूंगा, कितना भी नेगोशिएट कर लीजिएगा, 1,70,000 मांग दे दी बोलिए तो भी नहीं देगा, 80 मांगिए 85 मांगिए तो ही जाके बोलो गाड़ी छोड़ रहा है। आइए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब क्या बताएंगे इसको, मैंने बोलता है ना एक छोटा फैमिली कार, जो बोलते हैं बहुत कोई बोलते हैं मुझे एक छोटा फैमिली कार गाड़ी चाहिए, ये उन लोगों के लिए है, कम बजट में, ऊपर से इसका नाम अभी हो चुका है माइलेज किंग, बहुत ज़्यादा माइलेज देता है भैया मार्केट में, मैंने अभी तो कुछ बंदा तो देख रहे इसको लेकर टूर करने लग गए हैं, हमको खुद समझ में आता भैया क्या करते हैं ये लोग, लेकर टूर करने लग जाते हैं अभी गाड़ी लेकर इधर उधर चले जाते हैं, एक्चुअली ये गाड़ी एक्चुअली ऐसा है ना क्या बताएं, मैंने कम बजट में माइलेज के लिए भी अच्छा है, होता है ना 3 आदमी का 4 आदमी का फैमिली है उन लोगों के लिए भी सही है, और सब चीज़ पॉकेट फ्रेंडली है पूरा, इसका जो सर्विस के लिए आपको अगर जाना पड़े सोचना ही पड़े ना कि हर सर्विस के लिए आपको ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, इसके लिए ये भी एक चीज़ फ्री है इसमें, उतना टेंशन ही नहीं लेना इस सब गाड़ी में, यौन है ही ऐसा एक गाड़ी, तो आ जाते गाड़ी के ऊपर, गाड़ी है 2014 की गाड़ी है, ये एरा प्लस है, एरा प्लस, ये एरा प्लस है 2014 की गाड़ी है, ठीक है, ये 24 सितंबर तक अभी टैक्स है इसका, अभी टैक्स खत्म नहीं हो तो अभी टैक्स अपडेट नहीं हो पाएगा, गाड़ी देख सकते हैं अभी भी ओरिजिनल पेंट पे है, थोड़ा तो मोस्ट स्क्रैचेस है, वो मैं रिफ्रेश कर अजी भेजूंगा, वो रेडी होके आएगा, और अंदर के आप देख ही सकते हैं म्यूजिक सिस्टम लगाई हुआ है, रिवर्स गियर सेंसर लगाई हुआ है, और गाड़ी में सबसे बड़ा चीज़ है गाड़ी चला हुआ है ओनली 45,000 किलोमीटर, इसका भी सर्विस हिस्ट्री है मेरे पास, इसका भी सर्विस हिस्ट्री मैं दे दूंगा आपको, लोन चाहिए लोन भी मैं करा के दूंगा, एक चीज़ और बता देता हूँ, देखिए हर गाड़ी के बारे में बताता हूँ, फर्स्ट ओनर है, ये फर्स्ट ओनर नहीं है, ये सेकंड ओनर है,
सेकंड क्यों सेकंड ऑनर है ये भी बता दो। ये गाड़ी मेरे पास एक्सचेंज में आई थी, एक्सचेंज में मैंने ये गाड़ी ले लिया है, उन्होंने दूसरा गाड़ी मुझसे लिया है, तो वो उन्होंने बोलिए देखिए भैया हर गाड़ी क्या होता है, मैंने जैसे बताया कि अगर कस्टमर को मैं गाड़ी दे रहा हूँ तो उनसे लेना भी मुझे पड़ेगा, तो अगर साइड से बात अगर मैं नहीं लूँगा तो वो गाड़ी फिर मुझसे क्यों लेंगे। तो एक्सचेंज में गाड़ी मैं भी वैसी हिसाब से गाड़ी लेता हूँ कि गाड़ी मेरे पास उस कंडीशन में आए तो ही मैं लेता हूँ, ये गाड़ी उस कंडीशन में है तो ही लेता हूँ। गाड़ी देख सकते हैं राहुल भाई, पूरा गाड़ी अभी भी ओरिजिनल पेंट में है, पूरा ओरिजिनल पेंट पे अभी भी है, और जो भी थोड़ा बहुत दाग लगा हुआ है तो जस्ट अभी गाड़ी आया है तो मैंने रेडी किया नहीं है और शो कर दिया मैंने, ये हो जाएगा, मैं दो एक दिन में इसे रेडी भी करवा दूंगा। तो आते हैं प्राइस के ऊपर, प्राइस होने वाला है ओनली 179,000 17,000 रुपए दिए फिर 5 साल के लिए टैक्स ले लीजिए। तो थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए, बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ा चीज़ अभी और बता देता हूँ राहुल भाई कि अभी कस्टमर्स के दिमाग में चल रहा था ना बहुत दिन से, इसलिए देखिए मैंने नंबर प्लेट भी खोला, और दूसरा बात भैया भी बता देता हूँ, इग्निशन व्हील्स कोई चीट यहाँ पे नहीं करता है, क्योंकि देखिए नंबर प्लेट जो ढाकने का ये रीजन कस्टमर बताते ना कि भैया आप लोग नंबर प्लेट क्यों ढाकते हो, तो जस्ट एक ब्रांडिंग के लिए हम लोग ढाकते थे और कुछ नहीं, इसलिए इस वीडियो में मैंने हर नंबर प्लेट को ओपन कर दिया कि देख लीजिए भैया रिकॉर्ड मिला लीजिए, और गाड़ी का नंबर का संग अगर सर्विस हिस्ट्री मैच नहीं करा तो ही आप मुझे बताइए, इसलिए मैंने नंबर खोल के दिया। गाड़ी का डिटेल्स मैच कर, गाड़ी का डिटेल्स लेके आप कंपनी में रेड चला जाइए, जो मैंने बोला अगर उससे मैच नहीं कीजिए तो मुझे बताइए आप। बिल्कुल, आप इनको बिना बताए चले जाइए, बिना बताए आप डायरेक्ट नंबर लीजिए, डायरेक्ट चले जाइए कि हाँ इग्निशन व्हील्स ने कहा है कि ये नंबर है गाड़ी का, ये उसका सर्विस हिस्ट्री का रिकॉर्ड दिखा रहा बोल रहा था, सही है हाँ या ना, ये आप डायरेक्ट देखिए, देख के फिर मेरे पास आइए।